गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिलीजन ड्राफ्ट पॉइंट। आज बहुत छोटा एक क्वेश्चन लेकर मैंने आया, बहुत मज़ेदार भी है। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। आज से 400 to 500 ईयर्स पहले जो लोग जो टेक्निक से बहुत मेजरमेंट करता था, उसका ही एक क्वेश्चन है। ये बहुत ही मज़ेदार है, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा एक मैंने फैक्ट था, वो फैक्ट है जे अगर जमाना का साथ मैं आपको बदल नहीं पाया तो ज़िंदगी में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। जैसा देखिए नोकिया, HMT, फूजी, कितना बड़ा बड़ा कंपनी डिस्ट्रॉय हो गया था, वो लोग बदल नहीं पाया था। तो जमाना का साथ अपना को बदलना बहुत ज़रूरी है, तो ज़िंदगी में सक्सेस कोई रुक नहीं पाता है। तो ये जो मैंने जो लेकर आया, देखिए उस टाइम पे लोग कौन सा टेक्निक अप्लाई करके मेजरमेंट करता था, बहुत सारा चीज़ निकलता था। हम लोग जानता है मेरे को कोई एक पैरामीटर का वैल्यू निकालने के लिए और दो पैरामीटर मालूम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई पैरामीटर मालूम नहीं था, कोई पैरामीटर का वैल्यू मालूम नहीं था। तो इसमें कौन सा टेक्निक अप्लाई करके ये जो तीसरा जो पैरामीटर जो रिजल्ट ही निकलता था, तो उसका ऊपर ही मेरा ये वीडियो है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत मज़ेदार है ये। तो एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये जे एक लंबा रॉड इधर से इधर, इसको ना जमीन में गाड़ दिया है। मान लीजिए ये लंबा रॉड जमीन में गाड़ दिया था, तो इसको हाइट निकालना है। लेकिन इसको जो हाइट में निकालेगा, तो कोई चीज़ हम लोग जानते हैं जे इसका पैरामीटर है, इसका रिजल्ट हाइट निकालने के लिए मेरे को ना और दो पैरामीटर मेरे को मालूम होना चाहिए। तो वो लोग वो दो पैरामीटर कैसे बनाता था, जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला था हम लोग को मालूम है जी, वो लोग को भी मालूम था, लेकिन टेक्निक जो अप्लाई होता था उस टाइम पे, वो टेक्निक का बारे में मेरा एक क्वेश्चन है। तो देखिए जी, इसका हाइट निकालने के लिए वो लोग जो करता था, वो लोग फिर से इधर से ना एक लाइन खींचता था, इधर एक लंबा लाइन वो लोग खींचता था जी, इधर से इधर एक लंबा लाइन खींचता था, ऐसा एक लंबा लाइन खींचता था, ऐसा कर लंबा लाइन खींच के जो दो पैरामीटर जो बनाता था, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दो पैरामीटर जो लोग जो बनाता था, ये दो पैरामीटर है ये जी, इधर और भी एक लखन का टुकड़ा पर कुछ ना इसको ना इधर गाड़ देता था, तो उसका इसका हाइट मेजरमेंट करना बहुत जरूरी था। इसका हाइट कितना लिया है लोग, इसका जो हाइट है ये हाइट कितना होगा। तो इसको जब इधर जब एक मेजरमेंट किया था वो लोग जी, इधर मैंने अभी मान लिया है ये 100 mm हाइट वाला कोई चीज़ को वो लोग इधर गाड़ दिया था। इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ था 100 mm, 100 mm इसका लेंथ था, बा 100 यूनिट इसका लेंथ था। तो वही हिसाब से ये जो लेंथ है, इधर से भी एक ए लाइन को ना एक्सटेंड करता था वो लोग 100 mm तक, या 100 mm तक इसको एक्सटेंड करता था। तो इसको क्या किया था, जो अभी दो पैरामीटर वो लोग खुद बनाया था, ये दो पैरामीटर वो लोग खुद बनाया, देखिए दो पैरामीटर उसको खुद बनाया था वो लोग, इधर भी 100 mm इसको 100 यूनिट बा 100 mm इसको एक्सटेंड किया था। तो एक्सटेंड करने के बाद अभी जी इसको जो निकलता था वो लोग, तो बहुत टाइम लगता था जी, सूरज के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। अभी देखिए इसका परछाई अगर इधर टच किया, उसका मतलब है इधर 45 डिग्री एंगल बना है। तो अभी देखिए जे इसको मैं इधर एक्सटेंड कर देता है, इसका साथ मैंने ये लाइन को ना मैंने जोड़ देता है, तो जोड़ने के बाद ये जे 45 डिग्री हो चुका है। ये देखिए ये 45 डिग्री हो चुका है ये लाइन।
इधर जो एंगल निकल के आया, एंगल निकल के आया 45 डिग्री, देखिए ये 45 डिग्री एंगल निकल के आया। तो अभी इधर जब इसका परछाया जब इधर टच किया तो इसका परछाया भी किधर भी टच करेगा वो भी 45 डिग्री एंगल ही होगा। ये मैंने मान लीजिए मैं अभी इसको इधर भी मैं टच कर देता हूँ जस्ट दिखाने के लिए आप लोग को जो उस टाइम पे कैसे अप्लाई होता था, टेक्निक अप्लाई करके वो लोग निकलता। तो ये मान लीजिए मैंने इधर इसको इसका परछाया भी इधर टच किया, इसका परछाया जब इधर टच किया तब इसका परछाया जिधर टच किया ना उधर वो लोग मार्किंग करता था, मार्किंग करके इसको लेंथ निकलता था, ये लेंथ निकाल लेता था, ये लेंथ को निकालता था। अभी देखिए कितना आसान है वो लोग जो करता था, जे इतना पुराना ज़माना में जो टेक्निक अप्लाई करके जो लोग जे दो पैरामीटर को अपना खुद बनाता था। तो इसका पीछे साइंटिफिकली बहुत लॉजिक है ये जो निकलता था ये लोग। तो देखिए ये मैंने मान लिया जब मेजर किया था इसको 400 यूनिट मिला था उनको। तो जब ये 400 यूनिट मिला था तो ये 45 डिग्री एंगल है। तो अभी ये आप लोग तो आसानी से ये आप लोग जानते हो, तो फिर से मैंने एक बार बता देता है। तो हम लोग ये जो जानता है जो अगर ये इसका हाइट मेरे को निकालना है या हाइट, तो मेरे को टेंजेंट इनटू एडजेसेंट वैल्यू, तो एडजेसेंट ये है, एडजेसेंट ये है टेंजेंट, और ये है उसका हाइट बा ऑपोजिट, ऑपोजिट है ये। तो ये निकलने के लिए अभी आप लोग को पता चल गया मैंने क्या करने के लिए जा रहा है, एक टेक्निक अप्लाई किया था जो 400 टू 500 ईयर्स पहले जो वो लोग टेक्निक अप्लाई करके कोई चीज़ को ना मेजरमेंट करता था, बहुत सारा चीज़ निकलता था, बहुत टेक्निक है अप्लाई होता था। तो अभी ये तो हम लोग आराम से निकल सकता है। अभी ये टेंजेंट वैल्यू, ये टेंजेंट वैल्यू इनटू एडजेसेंट, एडजेसेंट इक्वल टू उसका हाइट। तो मेरे को उम्मीद है जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, आप लोग ऐसा नया नया टेक्निक निकालोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है जी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बिल्कुल नहीं है मेरा वीडियो में तो कमेंट्स करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए जो नया वीडियो अपलोड करेगा मैं आप लोग को बस तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू, गुड डे।